How are you today? Hope all is well. So let's start our new topic, Unit 5, Yoga. Yoga, in this topic we will discuss about definition of yoga, importance of yoga and 8 elements of yoga. So today we will discuss first of all, what is yoga, concept of yoga kya hai? Yoga kya hai? Yoga. तो जो बात में बताए कंटिन्यू करें तो योग का समझते हैं योग क्या है। देखिए योग योग अगर मैं ये बात कहूँ कि आप सबने कभी ना कभी या आप रूटीन में योगा करते हैं तो इट विल बी सरप्राइजिंग फॉर ऑल ऑफ यू राइट कि सर हम तो योगा नहीं करते, हम तो फुटबॉल खेलते हैं, हम तो बास्केटबॉल खेलते हैं, हम तो क्रिकेट खेलते हैं, हम तो कुछ खेलते ही नहीं सर, ठीक है ना। बट स्टिल आई एम विद माई स्टेटमेंट दैट ईच एंड एवरी डे यू परफॉर्मिंग योगा, सरप्राइजिंग ना। सो लेट्स सी हाउ योगा मीन्स जोड़ना, एडिशन, टोटल, जमा, जोड़ना, योग का मतलब होता है जोड़ना। संस्कृत की यूज धातु से ये वर्ड ड्राइव हुआ है योगा, जिसका अर्थ होता है जोड़ना, टोटल, एडिशन, जमा करना, ठीक है। तो आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, मैथ्स पढ़ाई होगा सॉरी आपने, कि जमा करने के लिए, जोड़ने के लिए, एडिशन के लिए, टोटल के लिए एटलीस्ट हमें 2 वैल्यू चाहिए होती है। कैसे? ये मैथ्स की बात कर रहा हूं मैं। 2 + 3 = 5, 5 + 7 = 12, so this is total, right? तो योगा जो स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट है, मेथोलॉजिकल कॉन्सेप्ट है इंडिया में, योगा में कौन सी 2 चीजें जोड़नी है एटलीस्ट जिससे कि ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके हमारा। तो योगा में 2 चीजें जोड़नी होती है, दैट इज योर सोल, आत्मा, सोल प्लस गॉड या सुप्रीम पावर इज इक्वल टू योगा। यूनिफिकेशन ऑफ आत्मा एंड परमात्मा इज नोन एज ए योगा। कर्मेशु कार्येषु कौशलम योगस्य, कार्यों में कुशलता ही योग है। परफेक्शन इन योर वर्क इज नोन एज ए योगा। योगा इज एन एंशिएंट रोड व्हिच लीड अस टू फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। मेरे से कास्ट को जो कहता है वो क्या है? वो तो एक कंसेप्ट है सोल और दूसरा कंसेप्ट है हमारे पास सोल, तो योग हो जाएगा। यानी कि योग वो चीजों में कंडीशन हो जाएगा, योग सोल और बोर्ड का, दैट इज योगा। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये यूनिफिकेशन, ये टोटल करना क्यों है, आत्मा को परमात्मा में क्यों मिलना है, वाई है ना, तभी तो योग करेंगे ना, जब क्लियर होगी वाई टू परफॉर्म दिस काइंड ऑफ एक्टिविटीज। देखिए वर्ल्ड में किसी भी कंट्री में चले जाए, कहीं भी किसी भी कॉर्नर पर चले जाए, आप लोग 2 चीज़ें लिस्ट करती हैं, फर्स्ट है बर्थ, सेकेंड है डेथ। क्या सोच लो, फॉरन में भी डेथ होती है, फॉरन में भी बर्थ होती है, इसके बीच में एक होता है कंसेप्ट स्ट्रगल। बर्थ होगा फिर वो स्ट्रगल करेगा फिर डेथ हो जाएगी। एक डॉक्टर डेथ के बाद बर्थ होगा, उसका दोबारा रीबर्थ होगा, ऐसा मानते हैं हम लोग। क्या वो बाय बर्थ डॉक्टर हो जाएगा? नहीं, फिर स्ट्रगल होगा, राइट। लेकिन परमात्मा भगवान क्या है, ना तो वो जन्म लेते हैं ना वो मृत्यु होती है, उनकी अजर है, अमर है, ऑमनीप्रेजेंस से उनकी, ठीक है। तो जब जीवात्मा डेथ के बाद उनके चरणों में लीन हो जाएगी, उन जैसी बन जाएगी, तो क्या उसको वो अपने पास रख लेंगे, वो दोबारा पृथ्वी पे दुख कष्ट भोगने के लिए नहीं भेजेंगे, उसे बोलते हैं व्हाट, मोक्ष। जब जीवात्मा जन्म और मृत्यु के चक्र से छूट जाती है, द कंडीशन इन स्टेज इज नोन एज ए मोक्ष। तो वो हमें यहाँ चाहिए ताकि हम दोबारा रिबर्थ ना हो, दोबारा स्ट्रगल में हम लोग परेशानियों में ना आए, राइट, ठीक है। कुछ लोगों के पास अच्छी लाइफ भी होती है, मैं कहता हूँ कि स्ट्रगल होता है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्ट्रगल तो रहता ही है ना, बिना हाथ लगे खाना भी मिल जाता है, कुछ करना पड़ता है, ठीक है, कष्ट होते हैं, प्रॉब्लम्स होती हैं। उसका सोल्यूशन एक ही है इंडियन मेथोलॉजी के अकॉर्डिंग, आपके पास योग दैट्स ड्राइव अस टू डार्कनेस टू लाइट, राइट। तो सोल और बोल का जो यूनिफिकेशन होगा वो योग होगा, राइट। अब बताती है कि कैसे, मेथड क्या है, हाउ वी कैन परफॉर्म योग। जरूरी तो नहीं है कि वो हिमालय में जाकर जरूर तपस्या करते तभी योग होगा, नहीं ऐसा नहीं है। वो एक वन ऑफ द मेथड ऑफ अटेनिंग योगा,
देयर आर एट डिफरेंट स्टेजेस वो स्टेप बाय व्हिच वी कैन अटेन दिस योगा फॉर बोथ व्हाइल लिविंग इन अर्थ व्हाइल लिविंग ऑन अर्थ एंड आफ्टर डेथ तो फर्स्ट इज दैट इज व्हाट आई से ए एलिमेंट ऑफ योगा अगर हिंदी योग में बोलते हैं अष्टांग योग इसके आठ पार्ट होते हैं महर्षि पतंजलि ने ये लिया था जब हम उनको फॉलो करते हैं वाइल ऑन अर्थ वी कैन गेट पीस प्रोस्पेरिटी सक्सेस आफ्टर दैट वी कैन गेट अटेन मोक्ष सो फर्स्ट इज यम एक एलिमेंट में फर्स्ट में कौन सा है यम थ्योरेटिकली आप इनके सीक्वेंस को ऊपर नीचे कर सकते हो फर्स्ट कोई और बताया आपने सेकंड कोई और बता दिया फॉर बट नॉलेजेबल फॉर एग्जाम यू हैव टू अटेम्प्ट इन अ सीक्वेंस फर्स्ट इज यम सेकंड नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि ये सीक्वेंस में चलेंगे वैसे जनरली डिसीजन में इसको ऊपर नीचे कर सकते हैं बट अगर क्या जस्ट लाइक योर क्लास आपने पहले फर्स्ट क्लास पास की फिर सेकंड पास की फिर थर्ड पास की फिर फोर्थ पास की ऐसा तो नहीं है पहले आपने टेंथ पास की आपने एट्थ पास की इम्पॉसिबल है और कोई जस्टिफिकेशन भी नहीं है ठीक है ना तो से ये एट एलिमेंट्स स्टेप बाय स्टेप कंटिन्यू होंगे काउंट होंगे तो फर्स्ट आपके पास दैट इज योर यम यम के पांच बातें होती हैं फर्स्ट है आपके पास नॉन वायलेंस नॉन वायलेंस क्या होता है अहिंसा या वैसे तो कैसे रिवर्स होता है हिंसा पृथ्वी पे हिंसा जो आप समझ रहे हैं वो तो होती है हमने किसी को चोट पहुंचा दी फिजिकली हर्ट कर दिया दैट इज हिंसा अगर नहीं पहुंचाई अहिंसा बट योग के पॉइंट ऑफ से तीन तरीके से हिंसा या अहिंसा होती है मन कर्म और वचनों से मन से कैसे होती है सामने बहुत स्ट्रांग पर्सन है हम कुछ कर नहीं सकते उसको ऑन द स्पॉट मन में दबाए बैठे कभी मौका मिलेगा तो हम उसको हर्ट करेंगे बदले की भावना अगर आपके मन में भी आ गई तब भी आप हिंसक हो गए चाहे आपने उसको एक्सिक्यूट किया या नहीं किया फिर है वचनों से बाय वर्ड्स अब आपको हम फिजिकल तो उसको हट नहीं कर पा रहे हमने उसको कुछ बैड वर्ड्स बोल दिए अब्यूजिंग वर्ड बोल दिए कुछ स्टार्टिंग वर्ड यूज कर लिए हिंसा है और वचनों से कर्मों से कैसे होती है किसी को हट किया किसी को शूट किया किसी को कोई स्टोन फेंको उठा के मार दिया धक्का दे दिया वो फिजिकली है तो योग में इन तीनों में प्योरिटी जब होगी ना तो हमारे मन में कभी विचार आए हिंसा का ना कभी हम अपने व्हाट्सएप पे बाय टंग मुंह से कोई गलत बात बोले और ना ही कोई एक्शन से करें तब हम कह सकते हैं कि हम नॉन वायलेंट हैं हम हिंसकवादी हैं राइट दिस इज योर नॉन वायलेंस नेक्स्ट है ट्रूथफुलनेस ट्रूथफुलनेस क्या होता है सच बोलना सच क्या होता है सच वो होता है आपको कोई बात आपके पास कोई बात कोई घटना को देखा उस घटना को आपने यूं को यूं आपने सामने प्रेजेंट कर दिया ना तो आपने उसमें कोई वर्ड ऐड किया ना ही आपने उसमें कोई वर्ड सब्ट्रैक्ट किया और ना ही आपने उसी प्रेजेंटेशन को चेंज किया दो बच्चे क्लास से बाहर किसी टीचर के बारे में बात कर रहे थे वो जनरली बात कर रहे थे लेकिन एक टीचर एक बच्चा टीचर बजा सर वो आपके बारे में ये कह रहा था अब फीलिंग ही चेंज हो गई उसी प्रेजेंटेशन चेंज हो गई तो ये झूठ हो गया आपने ना कोई वर्ड ऐड किया ना कोई माइनस किया बट आपने उसकी फॉर्म को चेंज कर दिया तो ये झूठ है ठीक है ये भी भाई तीन तरीके से होता है मन से झूठ बोलना मन से झूठ कैसे बोलते हैं हम स्कूल से घर से स्कूल आ रहे हैं लेट हो गए रास्ते में लेट हो चुके हैं हम लोग अब सामने हमें पता कोई टीचर से पूछेंगे कि सर आप बेटा आप लेट क्यों हुए तो हम मन में 50 तरह के बहाने सोच लेते हैं ये कह देंगे सर साइकिल खराब हो गई थी पापा लेट उठे आज ये हो गया था आज वो हो गया था लेकिन जब हम स्कूल में आते हैं हमसे पूछा जाता है कि लेट क्यों है हम कुछ नहीं कहते है ना हम झूठ नहीं बोलते हम बोलते कुछ नहीं तो क्या हुआ हम झूठे हुए या नहीं हुए हम झूठे हुए क्योंकि हमारे मन में झूठ बोलने का ख्याल आ गया राइट फिर होता है कर्मों से झूठ बोलना कोई पनिशमेंट बहुत डिफिकल्ट है जैसे स्कूल में होता है बच्चे शर्ट कर देते हैं जब तो टीचर डांटता था वो नहीं मानते जो कहते पेरेंट्स को बुलाएंगे नाम काट देंगे तब वो सब बोलते हैं ऐसे ऐसे हुआ था राइट तो ये है ट्रूथफुलनेस नेक्स्ट है आपके पास नॉन स्टीलिंग नॉन स्टीलिंग क्या होता है चोरी करना या चोरी नॉन स्टीलिंग करने को स्टीलिंग का मतलब होता है चोरी करना नॉन स्टीलिंग मतलब चोरी ना करना तो चोरी ना करना क्या होता है चोरी क्या होती है किसी भी वस्तु पे जिस पे हमारा अधिकार नहीं है उस वस्तु को बिना अधिकारी व्यक्ति के परमिशन के बिना यूज करना चोरी है मैं और डीप में जाऊं आपके घर में एक बाइक है पापा बाइक यूज करते हैं सैटरडे संडे उनकी छुट्टी है आप सैटरडे को बाइक खाली चले गए चोरी है
आपके ब्रदर की शर्ट है, आपने बिना कुछ उससे शर्ट यूज कर ली, चोरी है। मैं ये नहीं कह रहा कि डेली रिक्वायरमेंट है पूछने की, बट वंस यू हैव टू आस्क। पापा से आपने पूछे, पापा जितने छुट्टी होती है मैं बैग ले जाऊँ, यस तो यस, नो तो नो। ठीक है, आप क्लास में बैठे हुए हैं, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, वो पानी पीने गया हुआ, क्लास से बाहर गया हुआ, आपको कुछ चीज़ चाहिए, आपने बिना पूछे निकाल ली, चोरी है, क्योंकि वो वस्तु आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आती। राइट, नेक्स्ट है आपके पास अपरिग्रह। अपरिग्रह क्या होता है, अपरिग्रह के बचा दोहा है कबीर जी का, साईं ना दीजिए जामे कुटुंब समाये, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए। अब अपरिग्रह क्या कहते हैं, मैं हम बात करते हैं, अब हम स्टूडेंट नहीं है, हम प्रोफेशन में हैं, ऑफिस में जाते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, कुछ भी करते हैं, अब हम सोसाइटी में वर्क कर रहे हैं, एक्शन कर रहे हैं, हम 7 डे वर्किंग है, 6 डे वर्किंग है, 5 डे वर्किंग है, फॉर एग्जाम्पल हमें 7 ड्रेसेस चाहिए, पेंट शर्ट या कुछ भी जो आप डालते हैं वो चाहिए आपको, तो अपनी क्या कहता है, अगर आपकी 7 की रिक्वायरमेंट है, देन स्टोर मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 ड्रेसेस, 10 ड्रेसेस आपके पास होने चाहिए, 10 से ज़्यादा 11 का नहीं होना चाहिए। अब आपने क्या घर में देखा होगा, इंडियन फैमिली में क्या होता है, हम लोग वीट गेहूँ नहीं लेते, पूरी सारी इकट्ठी लेते हैं, अगर 5 बोरी की रिक्वायरमेंट हो 6 लेते हैं, 7 लेते हैं, 10 तो नहीं लेते, वो ना ही लेनी चाहिए। अपनी क्या कहते हैं, जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही स्टोर कीजिए, क्यों, वाई, हमारा एम क्या था, मोक्ष प्राप्त करना, दोबारा धरती पर नहीं आना, लेकिन अगर हम 10 ड्रेस की जगह 15 ड्रेस यूज़ करेंगे, स्टोर करेंगे, तो क्या होगा, उन ड्रेस को डालने का मन करेगा, वो ड्रेस कहाँ डलेगी, सोसाइटी में डलेगी। एम क्या है, सोसाइटी में छोड़ना। हमारे पास बाइक की रिक्वायरमेंट नहीं है, बाइक की रिक्वायरमेंट है, हमने कार ले ली, कार को यूज़ कर रही, कार कहाँ चलेगी, सोसाइटी में चलेगी। तो ये सब चीज़ें जो क्या होती हैं, आपको इनडायरेक्टली सोसाइटी से अटैच करती हैं, और एम क्या है, सोसाइटी से डिस्ट्रैक्ट होना, तो क्या काम आएगा, अपनी जितनी रिक्वायरमेंट है उतना ही स्टोर करना है, अदर को स्टोर नहीं करना। दूसरा क्या है, आपको 10 ड्रेस की जरूरत थी, आप 15 ड्रेस स्टोर कर रहे हो, तो 5 के लिए आपको एक्स्ट्रा काम करना पड़ेगा। अब आप बोले सब काम करने में क्या बुराई है, काम करने में बुराई है, वो 5 काम कहाँ होंगे, सोसाइटी में होंगे। ओवर टाइम करोगे आप, शॉप को बिजनेस को ज़्यादा देर खोलोगे, शॉप अपने बिजनेस को इंक्रीज करने के लिए, बढ़ाने के लिए ज़्यादा लोगों से मिलोगे, और एम क्या है, सोसाइटी से दूर जाना, हम लोगों से मिल रहे हैं, तो दोनों में जो कंटिन्यूटी रहेगी, एम कुछ और है, हम लोगों को कुछ और है। राइट, लास्ट है ब्रह्मचर्य। ब्रह्मचर्य क्या होता है, ह्यूमन बॉडी में बाई डिफॉल्ट बायोलॉजिकल कंसेप्ट होता है, हम अपने जैसे संतान को आगे जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, रिप्रोडक्शन सिस्टम बॉडी में होता है, प्लेजर होता है, ठीक है ना, तो ये जो प्लेजर है ये एक पर्टिकुलर टाइम में दिया बताया गया कि यूज करना है, दैट इज योर गृहस्थ आश्रम आश्रम, उससे पहले नहीं उससे बाद में नहीं, ठीक, ये हुआ आपका यम। नेक्स्ट आपके पास नियम, नियम में 5 बात में दोबारा फर्स्ट है तप, तपस्या वाला तप, ठीक है, तपना क्या होता है, वो हिमालय जाके कम से कम कपड़े में सर्दी में बैठ जाना, बर्फ में बैठ जाना, आग के बीच में आग चला के बीच में बैठ जाना, तपस्या होना, तपस्या का मीनिंग वही नहीं है, दीज आर द मेथड्स, तपस्या का मीनिंग है अपने शरीर को तपाना, जब सोना तपता है ना फायर में तभी वो कुंदन बनता है, तो शारीरिक कष्ट को छोड़ के लेबर करना, मेहनत करना, इस तपस्या, आप आज एसी रूम में बैठे हो, आज आप 5 आवर की सिटिंग बैठ के पढ़ते हो, ठीक है, ट्राई टू इंक्रीज दिस, 6 घंटे बैठ के पढ़ना है, जो 1 आवर इंक्रीज होगा तपस्या होगी शुरू में, वो डे बाय डे इंक्रीज हो, जरूरी नहीं कि धूप में बैठ के पढ़ना है, वो लाल बहादुर शास्त्री जी नदी में डूब के जाते थे, तैर के जाते थे, वो टाइम चला गया, ठीक है, वो तपस्या नहीं है आज के टाइम में, आज है अपनी फिजिकल एबिलिटी। सो वी आर डिस्कसिंग अबाउट तपस्या, तपस्या का मतलब ये नहीं होगा कि हिमालय में चले गए, या वो आज आप देखो कहीं आपने कुछ संत महात्मा जो होते हैं वो आग लगा के चारों तरफ बीच में बैठ जाते हैं, दूर में बैठ जाते हैं, तब का मीनिंग होता है कि फिजिकली पेन लेना। आज आपके पास एसी, आप एसी में बैठ के पड़े हैं, आपको इशू नहीं है, लेकिन अगर आज आपके पास 5 आवर की सिटिंग है, ट्राई टू इंक्रीज इट अप टू 6 आवर 7 आवर 8 आवर्स, ये भी तपस्या है। काम को इसलिए नहीं छोड़ना बॉडी में पेन हो रहा है,
बॉडी के प्लेजर के लिए, बॉडी के कंफर्ट जोन के में रहकर अगर आप काम को ड्रॉप कर रहे हैं तो आप गलत कर रहे हैं, आपको तपस्या का मतलब नहीं समझ में आया फिर। ठीक है, जब सोना फायर में जलता है, आग में जलता है, तभी वो कुंदन बनता है। तो वैसे ही आपने भी करना है, फिजिकल कंफर्ट को छोड़ के अपने काम को एफर्ट में कंटिन्यू रखना है। राइट, नेक्स्ट है आपके पास संतोष, सेटिस्फैक्शन। सेटिस्फैक्शन क्या कहता है? जितना आपके पास है उसका प्रॉपर यूज हो, प्रॉपर यूटिलाइजेशन उसकी हो। उसके बाद मैं ये नहीं कह रहा कि आपके पास साइकिल है आप बाइक का ड्रीम ना रखें, बाइक का ड्रीम रखें आप, बट वो नहीं होना चाहिए पापा मेरे फ्रेंड के पास तो बाइक है, मैं साइकिल से स्कूल नहीं जाऊंगा। अब आप खुद सोचो इसमें लॉस किसका है। सेकेंडली, अगर आप वॉक करके आते हो तो ज़्यादा फटिक होगी, साइकिल पे आएंगे टाइम बचेगा आपका, वो टाइम आप अपने स्टडी में लगा सकते हो। रिप्रेजेंट रिसोर्सेज को पॉजिटिवली, हैप्पीली और बाय हार्ट यूज करके प्रोग्रेस करना कोई बुराई बात नहीं, बुरी बात नहीं है। बट प्रेजेंट सोर्सेज को छोड़ देना कि नहीं जी साइकिल मेरे पास है, बाइक के ड्रीम में बैठे काम नहीं करना, ना उसको यूज़ करना, उससे होगा क्या, एक दिन कुछ भी नहीं होगा, एक दिन इतना बुरे दिन आ जाएंगे कि साइकिल का पंचर लगाना मुश्किल हो जाएगा अपने हाथ से, और हम ड्रीम करें बाइक का। सो कीप कंटिन्यू योर एफर्ट्स विद योर प्रेजेंट रिसोर्सेज पॉजिटिवली, राइट। फिर वो प्रोग्रेस आती है कि मैंने साइकिल से शुरू किया था, आज मेरे पास कार है, वो एक अच्छी बात आती है, वो एक कॉन्फिडेंस जनरेट करेगी। ठीक है, बिजनेस में कई बार अप डाउन भी आता है, डाउन में जाएगा, हाँ मैं कर सकता हूँ, मैंने पहले भी किया था, मैं आप भी कर लूँगा, वो रोना धोना नहीं है। राइट, नेक्स्ट आपका सेल्फ स्टडी, स्वाध्याय। नेक्स्ट है सेल्फ स्टडी यानी स्वाध्याय, अपने आप को पढ़ना। अब अपने को कैसे पढ़ेंगे जी? रात को सोने से पहले दिन में कोई ब्रेक लिया 5-10-15 मिनट अपने लिए, अपनी मंजिल को सामने रखना है, डेस्टिनेशन को, और अपने एफर्ट जो आज आपने किए क्या वो दोनों के सेम है, डायरेक्शंस एफर्ट्स है ना, वो चेक करना। उसके बाद आज मैंने 10 लोगों का मन दुखाया है, क्या मैंने 10 गलत बातें यूज़ की आज, कल क्या करना है, कल मैं नो करूँगा, एक काम करूँगा मैं। डोंट थिंक टू ट्राई टू ओमिट ऑल द 10 मिस्टेक्स, ऐसा कभी नहीं होगा कि सुबह जाओ आज दिन में आप एक भी गलती ना करो, तो ये तभी पॉसिबल है जब आप काम करना बंद करोगे, जब काम नहीं करोगे तो गलती भी नहीं होगी, और जब काम नहीं करोगे तो प्रोग्रेस भी नहीं होगी। डे बाय डे अपने आपको सेल्फ स्टडी करनी है, अपने आपको पढ़ना है, और धीरे 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 अपने आप में इंप्रूवमेंट लेके आनी है, दैट इज कॉल्ड स्वाध्याय, सेल्फ स्टडी। राइट, नेक्स्ट आपके पास ईश्वर परिणाम। ईश्वर परिणाम का आज टॉपिक है, माय फेवरेट। ईश्वर परिणाम क्या है? आप एक आपने सुनी हुई, तेरा तुझको अर्पण क्या लागे मेरा, वो क्या है कि कई बार क्या होता है कि हम वो काम कर लेते हैं जिसमें, अगर फॉर एग्जांपल मैं आपको बुरा कहूँ, अगर मैं आपको बुरा कहूँ आपको 5-10 मिनट बुरी लगेगी बात कि सर ने मुझे बुरा कहा, राइट। लेकिन अगर मैं आपके पेरेंट्स के बारे में कुछ कहूँ आपको हाफ एन आवर बुरी लग सकती है, मैं आपके टीचर के बारे में बुरा कहूँ आपको आधा घंटा बुरी लग सकती है, मैं आपके बेस्ट फ्रेंड के बारे में कहूँ आपको बहुत दिन बुरी लग सकती है ना। तो वो आपका ईश्वर परिणाम है, आपने नहीं मिली, आप जीरो है। अच्छा, आपको आज तुम्हें मेडल मिला, आपने अगर एक पर्सन को सेंटर में रखना है, वो आपकी मदर हो सकती है, पेरेंट्स हो सकते हैं, आपका फ्रेंड है, सिस्टर है, ब्रदर है, व्हाटसो एवर कोई भी है, टीचर है आपका, दिन में आज आपने काम किया, शाम को शाबाश मिली, बहुत बढ़िया बेटा, उसको ले जाओ लो जी आपको शाबाश मिली है जी। आज आपको किसने स्कोल्ड, किसने डांटा, किसने बुरा कहा है, अब्यूजेबल इसलिए मोस्ट ऑफ यू को ये लो जी ये आपका है। तो कितने फ्री हम रहेंगे, मेंटल फिजिकल स्ट्रेस बिल्कुल दूर हो जाएगा क्योंकि मैं तो भी यस और नो। सेकेंडली, जब मैं काम करने की कोशिश करूँगा, शुरू करूँगा, तो मैं सोचूंगा कि बुरा कहेंगे तो उसको बुरा होगा भाई, फिर मैं बुरा करने से अपने स्टेप को 10 बार एनालाइज करूँ करने से पहले कि नहीं नहीं अगर बुराई आई तो बुराई मुझे नहीं कहेंगे, मेरे पेरेंट्स को बुराई जाएगी, मेरे टीचर्स को बुराई जाएगी, मेरे स्कूल को बुराई जाएगी, कोई ना कोई पर्सन को रखे आप सेंट्रलाइज करके कि जो भी अच्छा हुआ तब उसको, ये नहीं कि अच्छा हुआ आपने कर लिया बुरा हुआ उसको, नो, अच्छा हुआ उसका है, बुरा हुआ उसका है, हम तो एक रिसोर्स है, हम तो मशीन है, बस हमें बुरा लगा हम देखो डिस्कस करेंगे, आज उन्होंने ऐसा कहा आपके बारे में मुझे बुरा लगा, तो वो आपको इतने अच्छे से कंसोल करेंगे, आपकी जो जितना भी स्ट्रेस है वो विद इन 5-7 मिनट्स दूर हो जाएगा, कोई बीमारी नहीं है, या जो बीपी चल रहा है बीपी है, हार्ट अटैक है, डायबिटीज है, इसलिए मैं
तो ट्राई टू कंटिन्यू ईश्वर प्राणिधान किसी सेंटेंस को माने उसके साथ कंटिन्यू करें, जो भी अच्छा आया मिला अच्छा मिला, जो भी अच्छा मिला बुरा मिला मतलब बुरा मिला बस बात है, तो कौन मैं बच गया राइट। ये है ईश्वर प्राणिधान। तो आज में इतना ही, बाकी नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर करेंगे। नेक्स्ट बात है हमारे पास प्राणायाम है आसन सत्य हाथ धरना ध्यान समाधि।